आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आपके पास है The value of a determinant is zero if any one row or column is comprising of zeros. For example, A is equals to 0, बिकॉज इसमें वी सी कि हमारे पास रो नंबर 1 इज कंप्राइजिंग ऑफ जीरोस। Another example is, अगर हम देखें b is equals to (3, 7, 4, 5, 1, 2, 0, 0, 0) तो आपने देखा थर्ड रो अगर इसमें जीरो है तो दिस अगेन इंप्लाइज दैट डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो वैल्यू हमेशा जीरो हो जाएगी अगर कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम जीरो से बनेगा। तो नंबर टू, the value of a determinant is if any two rows or column are same. For example, आप यहां पे देखें हमारे पास C1 और C3 बिल्कुल सेम है। तो हम योग यहां पे बात करेंगे कि सिंस C1 इज इक्वल्स टू C3 देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू जीरो। या तो ये सेम होगा या प्रोपोर्शनल होगा।
प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, एक इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज बी इज इक्वल्स टू 3, 4, 5, 1, 2, 3 and 6, 8 and 10. अब आप यहां पे देखें तो यहां पे ये जो R1 है ना, इस सबको अगर इसके एलिमेंट्स को हम डबल कर दे तो हमें R3 के एलिमेंट्स मिल रहे हैं. तो हम लोग इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे कि यहां पे R1 के एलिमेंट्स और R3 के एलिमेंट्स जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है. तो दिस इंप्लाइज दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों केसेस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी. If elements of any one row or column is multiplied by a constant k, multiplied by a constant k, then value of determinant is also multiplied by the same constant. Multiplied by the same constant. For example, अगर हम लोग देखें यहां पे a इज इक्वल्स टू a b c d e f g h i, and B is equals to ध्यान से देखना हमें है. कहता है if the elements of any one row or column, किसी भी एक रो के या किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट्स को अगर हम एक कॉन्स्टेंट k से मल्टीप्लाई कर दे, फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको लिखता हूँ के ए के बी के सी डी ई एंड एफ एज इट इज, लिखता हूँ G H I as it is लिखता हूं. तो हमारे पास कहता है कि determinant is also multiplied by the same constant, मतलब ये जो determinant of B है it is equals to K times the determinant of A, it is K times the determinant of A. तो ये बहुत ध्यान देने वाली चीज है. अब कहने का मतलब ये है, मैं आपको एक और एग्जांपल इसकी बताता हूं. ये तो हम लोगों ने इसको इस तरह से समझ लिया, लेकिन अदरवाइज हम इसके एक एग्जांपल से समझते हैं. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 5, 6, 2, 5, 4 and 7.
तो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर आप देखें तो आपके पास क्या बनेगा, 2 6 2 4 7 माइनस 3, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहा हूं, 5 2 5 7 प्लस 4 5 6 5 4 42 माइनस 8 35 माइनस 10 20 माइनस 30 34 3 × 25 4 × −10 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 68 − 75 − 40 दिस इज 68 − 115 एंड दिस इज −47 नाउ लुक एट, ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लिया जिसकी वैल्यू हमें आई −47। अब मैं अगर डिटर्मिनेंट ऑफ बी फोर सिक्स एट फाइव सिक्स टू फाइव फोर सेवन ले लूं, तो मैंने क्या किया, एक रो को यानी रो वन को के एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो लेट अस सी कि क्या हमारी बात सही होती है कि नहीं होती है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ बी हमारे पास दिया था 4 6 8 5 6 2 and 5 4 7 तो दिस इज इक्वल्स टू 4 × 6 2 4 7 − 6 × 5 2 5 7 प्लस 8 × 5 6 5 4 42 − 8 35 − 10 20 − 30 ये आपके पास आ जाएगा 4 × 34 − 6 × 25 + 8 × −10। आप इन सबसे 2 कॉमन ले लीजिए, यह आ जाएगा 2 × 34 − 3 × 25 + 4 × −10 इट इज 2 × 68 − 75 − 40 इक्वल्स टू 2 × −, इन सबको अगर हम करेंगे तो ये वही आएगा −47 एंड डेट विल बी इक्वल्स टू 2 times द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अगर हम लोग किसी भी एक एलिमेंट को एक पर्टिकुलर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी एलिमेंट्स के किसी भी रो के एलिमेंट से किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी एक के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोगों के पास वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट भी उसी से मल्टीप्लाई होगा। तो दिस वॉज प्रॉपर्टी नंबर 3। ये जस्ट एक एग्जाम्पल देके मैंने आपको इसलिए समझाया ताकि आपको मेरी बात थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाए और आपको समझ आए कि क्या बात हो रही है।
प्रॉपर्टी नंबर फोर, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज कंप्राइजिंग ऑफ सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स it can be expressed as sum of two or more determinants. For example, agar main a ko likhunga aise a plus b, c plus d, e plus f, g, h, i, j, k and l. तो this implies that determinant of a को हम लोग दो determinant में break down कर देंगे, a, c, e, b, d, f. सॉरी बीडीएफ नहीं, बीडीएफ को नहीं लिखा जाएगा, ए सी ई देन जी एच आई जे के एल प्लस बी डी एफ जी एच आई जे के एल. तो हमारी ये जो पहला जो कॉलम था जो कि दो एलिमेंट्स के सम से बना हुआ था, इसी को ही हम लोगों ने तोड़ दिया और दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बनाए. अगर आप देखें तो ये हमारे पास दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स बने यहाँ पे. तो आप इसको जरा नोट करें, चेक करें एंड फिर हम आगे चलेंगे. मैं एक बार इसको दोबारा से आपको बता देता हूं जो भी हम लोगों ने अभी तक किया. यहां पे हमें बोलता है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम इफ रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड. अगर ये रोज और कॉलम्स इंटरचेंज कर दे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहता है. तो हम लोगों ने उसके लिए एक एग्जाम्पल देखा. अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, यानी वो जिस तरह से रोज में जो हमारे थे अभी वही एलिमेंट्स हमने कॉलम्स में लिखे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल ऑलवेज बी रिमेन सेम. दैट मींस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ बी ही रहेगा. हमने उसके लिए एक एग्जांपल की, मैंने 2x2 का एक मैट्रिक्स लिया और उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया. तो ये देखिए, जब हमने इसको चेंज लिखा 3, 4, 5, 6, जब ये एलिमेंट्स हमने रोज में लिखे तो हमारा वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वॉज 18-20 विच इज -2. बट जब हमने उन्हीं एलिमेंट्स को कॉलम्स में लिखा तो भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा 18-22 -2 ही रहा. तो ये वैल्यूज हमेशा दोनों केसेस में सेम ही रहा, इसमें कोई भी फर्क नहीं आया. तो ये इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी प्रॉपर्टी है. फिर ऐसे ही इसके साथ थोड़ी थोड़ी मिलती जुलती है कि अगर कोई भी दो एडजेसेंट रोज, एडजेसेंट रोज और कॉलम्स का मतलब है जो साथ साथ वाली रोज होंगे. देखिए मैंने यहाँ पे ए बी सी और डी ई एफ को ही इंटरचेंज किया, जो साथ साथ वाली कोई भी दो रोज कोई भी दो कॉलम्स साथ साथ वाले इंटरचेंज किया, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट चेंजेस बाय नेगेटिव साइन. ठीक. तो यहां पे अगर हम देखें तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ पी हमारे पास 2, 3, 5, 4 है तो हमें उसका वैल्यू क्या मिल रहा था -7.
लेकिन जैसे ही हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डिटर्मिनेंट के रोज को या कॉलम्स को इंटरचेंज किया, अभी इस आपकी बार मैंने कॉलम्स को इंटरचेंज किया, मैंने इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इंटरचेंज कर दिया। तो जैसे इंटरचेंज किया मेरी वो वैल्यू पॉजिटिव होगी, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो थी वो पॉजिटिव होगी। तो अगर पॉजिटिव होगी तो वो नेगेटिव बन जाएगी, और अगर वो नेगेटिव होगी तो वो पॉजिटिव बन जाएगी। सो दिस इज द थिंग विच यू ऑलवेज हैव टू कीप इट इन माइंड। तो हमने छह प्रॉपर्टीज अभी तक इसकी पढ़ ली, और ये छह की छह इंपॉर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी और है हमारे पास इंपॉर्टेंट, तो एक बार आप इसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर सेवन है हमारे पास, इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज एडिड टू एडिट टू के टाइम्स द एलिमेंट ऑफ के टाइम्स द कॉरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास, मैं अब आपको इसको ध्यान से आप समझिएगा, ए इज इक्वल्स टू टू थ्री फाइव वन फोर टू टू वन थ्री, हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं, टू फोर टू वन थ्री प्लस प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस थ्री इंटू वन टू टू थ्री प्लस फाइव इंटू वन फोर टू वन। दिस इज टू इंटू ट्वेल्व माइनस टू माइनस थ्री इंटू थ्री माइनस फोर प्लस फाइव इंटू वन माइनस एट, टू इंटू टेन माइनस थ्री इंटू माइनस वन प्लस फाइव इंटू माइनस सेवन, याद आएगा ट्वेंटी प्लस थ्री माइनस 35, इट इज माइनस 12। नाउ हम एक डिटर्मिनेंट लेते हैं बी, और इस डिटर्मिनेंट बी में आर वन को आर वन प्लस थ्री टाइम्स आर थ्री कर देते हैं। देखो मैंने क्या बोला, मैंने बोला इफ एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज एडिड टू के टाइम्स, तो के क्या हो सकता है, के इज एनी स्केलर, के इज एनी कांस्टेंट, स्केलर का मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो और कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन सेम। तो
यहां पे आर अगर ये है और बी क्या एक रो को, फर्स्ट रो को मैं लिख देता हूं आर वन प्लस थ्री टाइम्स आर थ्री ऑफ ए, तो बी मेरे पास क्या बन जाएगा देखते जाइए, टू प्लस थ्री इंटू टू, टू क्योंकि उसका पहला एलिमेंट है टू और उसको मैं हमने थ्री टाइम्स था थर्ड एलिमेंट करना है, तो टू प्लस थ्री टाइम्स था ये आ जाएगा एट, थ्री प्लस थ्री टाइम्स दिस सिक्स, एंड फाइव प्लस थ्री टाइम्स दिस इज फोर्टीन, और बाकी के एलिमेंट्स को हम बिल्कुल भी नहीं कुछ करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू दिस जो हमने ऊपर पढ़ा द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट शुड बी सेम, मतलब वो माइनस ट्वेल्व ही आना चाहिए, तो लेट अस चेक, याद आएगा एट वन फोर टू वन, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, इट शुड बी फोर टू वन थ्री माइनस थ्री इंटू वन टू टू थ्री प्लस फाइव इंटू, सॉरी माइनस थ्री नहीं आएगा माइनस सिक्स आएगा, आई एम सो सॉरी माइनस सिक्स, एंड दिस इज फोर्टीन इंटू वन फोर टू वन, दिस इज एट इंटू ट्वेल्व माइनस टू माइनस सिक्स इंटू थ्री माइनस फोर प्लस फोर्टीन इंटू वन माइनस एट, एट इंटू टेन माइनस सिक्स इंटू माइनस वन प्लस फोर्टीन इंटू माइनस सेवन, यह आएगा एट्टी प्लस सिक्स माइनस नाइन्टी एट, डेट इज इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व। तो देखें इन बोथ ऑफ दीज केसेस आंसर इज सेम, तो आंसर में देर विल नॉट बी एनी डिफरेंस, आंसर विल ऑलवेज बी सेम। तो दिस वॉज द property number 7 and this is the most important property. Kuch basic identities hain, ये आपको ध्यान में ला रहा हूं और आपको इसको याद रखना है। a प्लस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी होल क्यूब इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी होल क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट वन, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और कई बार हमें जरूरत इसकी भी पड़ जाती है, ए रेस टू पावर फोर माइनस बी रेस टू पावर फोर, जिसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और इसको फाइनली हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी तोड़ देते हैं, जैसा कि हमने ऊपर देखा इसको, और ये लिखा जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बी बेसिक आइडेंटिटीज है जो आपको याद रखनी है। बिफोर वी एंड टुडे मैं एक बार सेवेंथ प्रॉपर्टी को दोबारा से बताता हूँ आपके पास। ये प्रॉपर्टी है, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन रो और कॉलम इज एडेड टू के टाइम्स, के हो गया एक कांस्टेंट, स्केलर का मतलब है कोई कांस्टेंट, तो के टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ, कॉरस्पॉन्डिंग होता है सेम, मतलब उसी तरह के एलिमेंट में ऐड या करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम चेंज नहीं होगा। तो पहले तो मैंने एक डिटर्मिनेंट लिया ए, और उसको उसका डिटर्मिनेंट कोई भी डिटर्मिनेंट हमने एज्यूम कर लिया और उसका वैल्यू निकाला माइनस 12। फिर मैंने उस ए को थोड़ा सा चेंज किया और एक उसमें क्या यूज़ किया, मैंने लिखा कि अगर हम किसी रो को चेंज कर दें, कैसे चेंज कर दें, हमने लिखा था एलिमेंट ऑफ एनी वन रो इज एडेड टू के टाइम्स द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो। तो के कोई कॉन्स्टेंट था तो हमने क्या किया, हमने आर वन के एलिमेंट्स को थ्री टाइम्स आर थ्री कर दिया, मतलब हमने आर वन के एलिमेंट को अगर आप देखें तो हम लोगों ने इस एलिमेंट को इसके साथ ऐड कर दिया, इस एलिमेंट को थ्री टाइम्स इसके साथ ऐड कर दिया, एंड इसको हमने थ्री टाइम्स इसके साथ ऐड कर दिया, तो ये बन गया टू प्लस थ्री इंटू टू एट, थ्री प्लस वन इंटू थ्री सिक्स, फाइव प्लस थ्री इंटू थ्री नाइन। तो ये हमारे पास फर्स्ट रो जो थी वो चेंज होके एट सिक्स फोर्टीन बन गई। और जब हमने इन सब का डिटर्मिनेंट फिर से निकाला तो हमने देखा कि वो डिटर्मिनेंट फिर से माइनस 12 आया, यानी अगर हम इसके एलिमेंट्स को चेंज करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है जी, तो ये थी जी प्रॉपर्टी नंबर 7, और उसके बाद आपने ये आइडेंटिटीज लर्न करनी आज, एंड कल हम लोग इसके आगे क्वेश्चन करेंगे इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर, इन्हीं आइडेंटिटीज को लेके। तो आपने इसको आज घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करना है, काइंडली मेक योर फेयर नोटबुक सो दैट कि आपका ये सब चीज़ें जो हैं वो जब आप नोट करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दिस थिंग विल बी शेयर्ड विद यू जस्ट आफ्टर द क्लास, एंड देन यू कैन चेक दीज प्रॉपर्टीज वंस अगेन। तो आज इतने रखेंगे, कल आपसे दोबारा से मुलाकात होती है और इसी को हम लोग आगे लेके चलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड जय।